दिया है और जो इसको सुनेगा उसका कल्याण होगा, उसके पितरों का कल्याण होगा। ये कार्तिक महीना चल रहा है, ये पितरों का दिन है और शिव महापुराण कथा कार्तिक श्रावण चैत्र और वैशाख चार महीने में होती है और लाखों करोड़ों में कोई कोई शुद्धता है, लाखों करोड़ों में कोई कोई कहता है। राम कथा तो घर घर है, भागवत घर घर है, पर शिव कथा घर घर नहीं होती। आज तीन गांव इकट्ठा हुआ तब अय्यापुर मां हो रही है, कितने भाग्यशाली आप साहब जो शिव कथा का प्रणाम कर रहे हैं। इसलिए भगवान व्यास कहते हैं इस कथा में आने वालों को मैं प्रणाम करता हूं, इसके आयोजकों को प्रणाम करता हूं और जो इस कथा में अपने आप को अपने कुटुंब को परिवार को अड़ोसी पड़ोसी को लाएगा उसको मैं प्रणाम करता हूं। जिन जिन लोगों ने शिव कथा की सुनी उसकी महिमा बताई है। इसलिए भगवान शिव देवाधिदेव महादेव है और इतना भोला है कि उसके पास में कुछ भी मांगो आप वो मना नहीं करता है। और देवता का पूजन में बहुत विधि विधान चाहिए साहब, और भूल हो जाए तो सजा भी मिलती है, मगर महादेव की पूजा में कोई भी भूल हो जाए तो समा मुक्ति है, क्योंकि पिता पुत्र को माफ करता है, गुरु शिष्य को माफ करता है, पति पत्नी को माफ करता है। इस तरह भगवान शिव कहते हैं कि मेरे पास आओ, मेरे पास बैठो, मेरी बात को सुनो, अपने हृदय में उतारो, अपने जीवन को सुधारो। ये अंतिम जन्म है मानव का, बार बार मानव जन्म नहीं मिलता है। इसलिए प्रयागराज तीर्थ में सुत जी सबको प्रणाम करते और कहते शिवो वाच जगदाधारम मातरो स्वयं शंभु विश्वनाथम सर्वतो पूजितम देवना अहो भाग्यम मनुष्याम सर्वत्रम शिव महापुराण कथा सदा सेव्यता सदा सेव्यता। ये मानव बड़ा भाग्यशाली है जो शिव कथा सुनेगा और ये नौ दिन की कथा जो आदमी अपने जीवन में उतारेगा वो फिर दोबारा माँ के पेट में आएगा नहीं, ये संसार उसके लिए बगीचा बन जाएगा जो भाव से सुनेगा। इसलिए भगवान शिव कहते हैं और देवता का मंत्र बोलना पड़ता है पूजा में और भगवान शिव कहते कुछ ना आवे तो भगवान शिव का पंचाक्षर मंत्र से आप पूजा कर सकते हो बोल सकते हो। इसलिए सुत जी कहते हैं ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय।
सत जी ने प्रयागराज में अपने गुरुदेव को याद किया। मैं अपने गुरु जी के चरण में प्रणाम करता हूँ जिसने मुझे शिव महापुराण की कथा सुनाई, और मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। ऐसा करके सुत जी प्रयागराज में गंगा यमुना सरस्वती के किनारे पर हजारों संतगण के बीच में सबको प्रणाम किया, क्योंकि आप बहुत भाग्यशाली हैं कि शिव महापुराण की कथा सुनने आए हैं। और नौ दिन का सत्र है, ये नौ दिन का अधिष्ठान है। हम शब्दों द्वारा भगवान की पूजा करेंगे, बहुत पुण्य का उदय होता है तो शिव महापुराण की कथा सुनने मिलती है। न जाने कितने साल पहले आपके गांव में होगी होगी, और हुई हो तो इतना प्रचार नहीं हुआ होगा, पहली बार है। बहुत लोगों ने फोन किया, बोले महाराज इतना प्रचार कभी नहीं हुआ, इतनी संगत नहीं जमी। जो कलश यात्रा थी पूरे वर्ल्ड में आपको दिखाया गया साफ, इटली में बैठे हुए, लंदन में, अमेरिका में, अफ्रीका में, हमारे गुजरात में, सबको आपको देखा सबने। आपने जो कल कलश यात्रा निकाली, और अभी भी हमारे सूरत से सब जगह एक मैसेज दे गया है कि पंजाब में अय्यापुर में कथा हो रही है और लाइव प्रसारण है। जितने भी आज लोग बैठे हैं, पहली बार मैं अपनी मैदनी में आपको देख रहा हूँ, पहला दिन है, आपको प्रणाम। भगवान से प्रार्थना करता हूँ नौ दिन इसी तरह आप आए और सुने। देखो भैया, तीन महीने से लगातार एक कथा के आयोजक भाइयों बहनों ने बहुत बड़ा परिश्रम किया, घर घर जाके आपको हाथ जोड़े हैं। इसलिए आपका फर्ज है, आपका कर्तव्य है, ये आपकी कथा है, ये सबकी कथा, हम सबकी कथा है। ये कोई शादी विवाह, कोई पार्टी, कोई प्राइवेट, कोई एक आदमी की कथा नहीं है। कहेगा और गाएगा, उसके कितने भी जन्म के पाप मिट जाएंगे और आखिर में भगवान शिव के लोक में जाएंगे। तो आज पहला दिन है, मैंने आपको दो महात्म्य सुनाया, शायद आपको इतना समझ में नहीं आया होगा, कल फिर ट्रांसपोर्ट करूंगा, क्योंकि हमारा कथा का समय 7:30 बजे। ये लाइव प्रसारण हो रहा है, अमेरिका में सब लोग देख रहे हैं, इटली में देख रहे हैं, लंदन में देख रहे हैं, कनाडा में देख रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया में, अफ्रीका में, हमारे सूरत में, भावनगर में, सारे लोग आपको देख रहे हैं। ये लाइव नौ दिन तक चलेगा। ये शिव महापुराण की कथा पूरी होगी, फिर लोहिया में राम कथा है, और लोहिया वाले भी आए, भाई बहन आए, उनको भी हम ताली से स्वागत करें दोबारा फिर से, धन्यवाद। आपका फर्ज है, आपके घर में कोई आते तो कितना आदर करते हो, तो ये कथा भी आपकी है। यहाँ जो भी आवे उसका आदर करना, सत्कार करना, किसी का अपमान नहीं करना, किसी को बुरा लगे ऐसे कोई वर्तन नहीं करना, किसी को दुख लगे ऐसा कुछ वर्तन नहीं करना, और किसी को ठेस लगे ऐसा कोई शब्द नहीं बोलना साहब। ये हमारा अनुष्ठान है नौ दिन, और सबसे बड़ी खुशी मुझे ये है कि आप सब आज एक हो गए। कथा का पहला दिन है, आज एक हो गए, उसे भी हम आपको ताली से स्वागत करते हैं साहब व्यास गाजी। धन्य है आप सबको। आज हमारा एक कीर्ति बहन का घर वाला बोलता है, बाबा जी कथा तो अभी हुई नहीं है, पर आज आनंद बहुत आया क्योंकि सब एक हो गए। और मैंने देखा आज टांडा से लोग थे, अय्यापुर से, उड़मुड़ से, सब मिलकर इस कथा का आयोजन किया है। इस सभी को प्रणाम। व्यास गादी आप धन्यवाद देती है, और ये नए साल की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं हो, आपके घर में सुख शांति हो, आप खूब कमाओ, आपके घर में हमेशा खुशियाँ रहे, और इसी तरह एक बनकर जिए, और ऐसे कामों में भगवान आपको आगे बढ़ावे, और ये नया साल आपके जीवन में हर इसी खुशियाँ लेकर आवे। अपने परिवार के साथ खुश रहो, भगवान से प्रार्थना करते हैं। मेरी वाणी को विराम दूँ। आज पहला दिन है, पहला दिन में नमस्कार की बहुत महिमा है। भगवान व्यास के शिष्य सूत ने प्रणाम किया आने वाले को, ये कथा के आयोजकों को, कथा में लाने वाले को, और जो लोगों ने घर घर जाके इस प्रचार किया उन सब से ज्यादा फल उनको है जो घर घर जाके निमंत्रण दिया है। इसलिए ये सब आपकी कथा है, सब मिलकर मैं भी आपके साथ हूँ, सब मिलकर आपने इस नौ दिन का ये अनुष्ठान है। भगवान शिव की कथा में बैठकर भगवान शिव की महिमा गाएंगे, उनको याद करेंगे, उनकी कथा सुनेंगे, और इस कथा का पुण्य अपने पितर को, अपने पूर्वजों को देंगे, क्योंकि इस भूमि में बहुत जीवों की जान गई है। कोई जमाने में इस भूमि पर बहुत अकाल मृत्यु हुई है, कहीं की जान गई है, तो शिव कथा में सबका उद्धार हो। 13 साल पहले
बाबा पुणगिरी जी के डेरे के महंत चमेलगिरी बाबा जी ने कराई थी। इसी सलाह में इस कथा में नाग और नागिन आते थे। मैंने भी शिव कथाएं की थी, 3 दिन खड़े राम कथा सुनाई थी। उस टाइम 13 साल पहले यहाँ शिव कथा का प्रचारण हुआ था, 5 दिन तक चली थी और 3 दिन राम कथा चली थी। बहुत बड़ा भारी रुद्र यज्ञ था और कल से भी यज्ञ शुरू होगा। और याद कीजिए साहब, ये रुद्र यज्ञ है, ये शिव जी का यज्ञ है, इसमें कोई मुहूर्त की जरूरत नहीं पड़ती साहब। कोई आदमी किसी ज्योतिष के पास गया कि भी मुझे कल मरना है, मुहूर्त निकालो, ये शिव की कथा में कोई मुहूर्त नहीं होता है साहब। एक मृत्यु का दाता है, अब जब चाहे तब शिव की पूजा कर सकते हो, जब चाहे तब शिव का यज्ञ कर सकते हो। मृत्युंजन यज्ञ में कोई मुहूर्त नहीं होता। किसने आपको बता दिया कि मुहूर्त नहीं है? अरे आपके पास टाइम नहीं, ऐसा बोलो। मैंने द्वारका का ब्राह्मण कल आएगा, उसने कहा कौन सा शास्त्र में लिखा है कि मुहूर्त नहीं है, ऐसा कैसे हो सकता है? इसलिए शंका मत कीजिएगा, ये देवादि देव महादेव की कथा है, ये देवादि देव महादेव का यज्ञ है मृत्युंजय। भगवान शिव, ये शिव पुराण की कथा है। और जो सुबह से यज्ञ होगा आप सबको आना है, क्योंकि रुद्र यज्ञ है। जो इस रुद्र यज्ञ में आहुति डालता है मृत्युंजय की, उसकी अकाल मृत्यु नहीं होती है, क्योंकि मृत्युंजय महादेव त्राही मम शरणागत जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीड़ितम कर्म बंधने। इस गांव वाले को फल मिलेगा, आहुति डालने वालों को मिलेगा, इस शिव कथा में जो भी तन मन धन से साथ देगा उसको फल मिलेगा, क्योंकि भगवान शिव की कथा है। और कई सालों के बाद पहली बार आप सुनने जा रहे हैं, अभी तो पहला दिन है, इसलिए मैंने खाली महात्म्य सुनाया है। कल से कथा का आरंभ होगा। पहले दिन तो प्रणाम की कथा है। शिव पुराण में भगवान व्यास ने सबको प्रणाम किया, और जिन लोगों ने कथा सुनी उसका फल का क्या होता है वो प्रणाम किया। कथा आरंभ कल होगी, और जो सुबह यज्ञ होगा आप सब मेरे माता बहन भाइयों बालकों युवाओं से प्रार्थना, सबको आना है, सबको आहुति देना है। और देखिए, न जाने कौन से पुण्य का उदय हुआ है जो शिव महापुराण का कथा का आरंभ आज से हुआ है। आज बहुत बड़ा दिन है, चतुर्थी है। आज चंद्रमा ये शिव कथा का अधिष्ठान देवता है, ये शुक्ल पक्ष चल रहा है, और कार्तिक मास पितृ का बहुत बड़ा दिन है। और जहां शिव महापुराण कथा होती है, जो सुनता है उसके पितृ का भी उद्धार होता है साहब। जिसका हरिद्वार में नहीं होता उसका यह हो जाता है प्रभु, क्योंकि शिव महापुराण की कथा की महिमा है। इस कथा हम कल कहेंगे, आज इतना ही। आइए, जो मेहमान भाई आए हैं उनका स्वागत करें, और आगे का प्रोग्राम फिर आरती करके सबको लंगर लेके प्रसाद लेके जाना, भोजन बिना कोई नहीं जाना। 8 नंबर है, 5 नंबर का नाम अपना ले जाओ, हूँ 4 नंबर की बारी है, 4 नंबर भी कटो जी, 289 नंबर, 4 नंबर लेके जाओ, अपनी पर्चियां खोल लाओ, नंबर तो आड़े कोल आ। हाँ जी, कितना नंबर जी?